नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज थर्सडे 11 नवंबर। सबसे पहले कल के सेशन की बात करें, कल काफी बड़ा सेशन रहा। कल हमने काफी बड़ी तेजी और मंदी मार्केट में दोनों ही आते हुए देखी। मंदी का मतलब ये नहीं है कि मार्केट में करेक्शन है, बट कल के सेशन में दिन का सेशन काफी सुस्त था क्योंकि यूएस से इंपॉर्टेंट सीपीआई के डाटा आने वाले थे। तो दिन के सेशन में हमने देखा, जैसे उम्मीद की थी कि प्राइजेस 50-100 पॉइंट टूटेगा, वैसा ही हुआ। बट इवनिंग सेशन में देयर वाज टोटली सरप्राइज, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि डॉलर में भी तेजी आई है और साथ में गोल्ड में भी तेजी आई है। ज्यादा करके देखा जाता है कि जब भी डॉलर में तेजी आती है कमोडिटी में करेक्शन आता है, बट जिस ढंग से कल का जो डेटा आया है वो 1990 के बाद का सबसे बड़ा एनुअल गेन डेटा आया है, वो है यूएस का कंज्यूमर प्राइस, जिसमें अनएक्सपेक्टेडली एक बड़ा जंप लाता हुआ दिखाई दिया, जिसका सपोर्ट हमने गोल्ड में आते हुए देखा। और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम गोल्ड $1870 भी छू चुका है और चांदी $25 भी क्रॉस कर गई। उसी का एक सपोर्ट हमने एमसी बुलडेक्स में बनते हुए देखा, जहां पे हमने 1.5% की तेजी के साथ 14,660 पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। एज ऑफ नाउ आज यूएस मार्केट बंद है, जिसके चलते प्राइसेस में थोड़ा पुलबैक जरूर देखने मिल सकता है, बट रुपए की गिरावट कहीं ना कहीं एमसी बुलडेक्स को आज भी सपोर्ट करेगी। रिसेंटली हमने देखा कि गोल्ड के ETF में कुछ आउटफ्लो भी है, बट कहीं ना कहीं जो नए CPI के आंकड़े आए हैं ये वापस एक ग्लोबल बाइंग को जनरेट करता है, क्योंकि टेक्निकली 1856 का लेवल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल था गोल्ड के लिए, वो तोड़ चुका है और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जल्द हम 1900-1920 के भी लेवल फिर से रीगेन करते हुए देख पाएंगे। तो आज के लिए एमसीएक्स बुलडेक्स 14,620 के करीब लेके चलिए, 14,780 से 850 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं सोने और चांदी में कल हमने शॉर्ट कवरिंग के चलते 0.25% की तेजी गोल्ड में और 2% की तेजी चांदी में बनते हुए देखी। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमने देखा कि प्राइजेस 49,200 के ऊपर क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया है, बट ओवरऑल हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर अब तेजी का रुख रहेगा। आज यूएस बंद होने की वजह से थोड़ा पुलबैक अगर मिलता है तो बिल्कुल लेके चलना चाहिए 48,700-800 के बीच में। ओवरऑल 49,000 का लेवल वापस रीगेन करने पे 49,450 तक का लेवल गोल्ड, और वहीं चांदी जैसे हमने पहले भी कहा था कि 65,200 के ऊपर 66,500 और 66,500 से लेकर 68,000 तक का भी लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। क्रूड के अंदर कल हमने 2% की गिरावट आती हुई देखी, जिस ढंग से क्रूड के स्टॉक का डेटा बढ़ के आया है वो कहीं ना कहीं प्राइजेस पे दबाव ला रहा है, बट दूसरी ओर हमने देखा कि लो लेवल पे बाइंग बनी हुई है। तो आज मार्केट कल की गिरावट के बाद थोड़ा संभलतावाद जरूर दिखाई देगा, बट ओवरऑल रेंज 59.50 से लेकर 61.50 के रेंज में ही मार्केट मूव करेगा। बट ध्यान रखिए 59.50 का लेवल तोड़ने के बाद एक फ्री फॉल क्रूड में पॉसिबल है, बट 59.50 के नीचे क्लोज करने से। नेचुरल गैस में पिछले 2 सेशन में हमने काफी बड़ी गिरावट आते हुए देखी, रीजन से रशिया की सप्लाई भी इंप्रूव हुई है। डिमांड में कोई मेजर चेंजेस नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है सप्लाई साइड इंप्रूवमेंट के चलते नेचुरल गैस के अंदर हमने कल भी 2.5% की गिरावट आते हुए देखी है। एज ऑफ नाउ जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 350 से 356 का है, एक पुलबैक जरूर दिखा सकता है बट ट्रेंड अभी भी वीक है। बेस मेटल में काफी मिक्स व्यू रहा है, कल हमने कॉपर, जिंक और लेड में तो गिरावट देखी है, बट वहीं निकल और एल्यूमिनियम में तेजी देखी है। आज मार्केट लोअर लेवल से बाइंग आती हुई दिखाई देगी। ध्यान रखिए सिल्वर कॉपर रेशियो काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिस ढंग से चांदी में तेजी आई है इसका फॉलोअप बाइंग कॉपर में जरूर आता हुआ दिखाई देगा। अगले एक हफ्ते के लिए कॉपर को लिया जा सकता है 755-756 के लिए। आज अगर हम एलएमई की बात करें तो एलएमई पे 0.5% की तेजी है जो आज के रिफ्लेक्शन दिखाएगी। गोल्ड 1870 के लिए ले सकते हैं, चांदी 25-20 के लिए ले सकते हैं। WTI ब्रांड क्रूड पे ध्यान रखिए, नेचुरल गैस में गिरावट रहेगी, डॉलर इंडेक्स में तेजी है, बट डेटा की वजह से ये तेजी का रुख कंटिन्यू रहेगा। आज यूएस से कोई डेटा नहीं है, यूरोप से हम कुछ स्पीच आते हुए देखेंगे। टेक्निकल चार्ट पे एमसीएक्स बुलडेक्स अभी भी लेके चलिए 14,840 के टारगेट के लिए, गोल्ड लेके चलिए 49,450 के लिए, क्रूड बिकवाली करके चलेंगे बट 59.50 का टारगेट ध्यान रखेंगे। निकल में भी बाइंग बन रही है जो 1530 का लेवल तोड़ने पे 1580 तक का लेवल दिखा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।